मैं डॉक्टर विजयदीप कौर, राणा आईवीएफ सेंटर लुधियाना। तो मेरे को बहुत पेशेंट्स आंदे आईवीएफ करान, बट उन्हें जो बहुत घट परसेंटेज नो पता होंगे कि एक्चुअली आईवीएफ प्रोसेस की है ते किवें होंगे। सो अज मैं तुहानू बड़े आसान शब्दों च दसन की कोशिश करूंगी कि एक्चुअली आईवीएफ की है। आईवीएफ जां टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक एक मेडिकल साइंस का वरदान है जिदे नाल बेऔलाद जोड़ियां नू एक आशा की किरण दिखाई देती है। इस तकनीक पहली गल तो ये तकनीक यूज किन्ना कपल्स च होंदी है। बेसिकली उन्हें कपल्स जिस लेडी दियाँ ट्यूब्स बंद होन या एज ज़्यादा होवे, मैरिज में बहुत ईयर्स हो गए होन ते बेबी ना हो रहा होवे तो वो डायरेक्टली आईवीएफ लिए ऑप्ट कर सकते हैं। या पेशेंट दे पहला आईयूआई दे फेलियर्स होन वो आईवीएफ लिए ऑप्ट कर सकते हैं। या हस्बैंड दे शुक्राणुओं च कमी होवे या अगे चलन वाले जो तेज शुक्राणु है वो घट होन या शुक्राणु ना हो, इन्ह सारे केसिस च आईवीएफ किया जा सकता है। हुण आईवीएफ च स्टैप्स की है, तुसी की एक्सपैक्ट करते हो भी की होएगा पेशेंट दे नाल? सब तो पहला तो फस्ट कंसल्टेशन जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हस्बैंड ते वाइफ दोनों प्रेजेंट होने बहुत जरूरी है। उस विच एक तो यह देखा जाता है कि बेसिकली इनफर्टिलिटी का कॉज की है, कि पेशेंट दे बेबी क्यों नहीं हो रहा। कई बार केसिज ये होंगे जिन्हें कोई रीज़न नहीं मिलता, जरूरी नहीं है हर बार आपको रीज़न मिले कि इनफर्टिलिटी का की है। सो उस हस्बैंड ते वाइफ का वर्कअप किया जाता, उन्होंने ब्लड टेस्ट होंगे है, अल्ट्रासाउंड एंड सारा वर्कअप होंगे कि प्रॉब्लम कितने है। उस तो बाद जे वो आईवीएफ लिए सानू सूटेबल कैंडिडेट लगते हैं तो उस तो बाद आईवीएफ स्टार्ट होंगे। उस सब तो पहला स्टेप है कि पेशेंट नू 10 तो 12 दिन लिए इंजेक्शन लगते हैं जिदे नाल लेडी की ओवरी च जिन्ने भी एग्ज है वो सारे के सारे डिवेलप होंगे। नॉर्मली हर महीने एक या दूजी ओवरी च सिंगल एग या वध तो वध दो एग डिवेलप होंगे है, बट आईवीएफ के केस जो इंजेक्शन है उन्होंने जिन्हें भी अवेलेबल एग्ज है वो सारे के सारे डिवेलप होंगे। जो वो एग्ज एक पर्टिकुलर साइज़ पर पहुँच जाते हैं तो उन्होंने एग्ज़ न रपचर नहीं होने दिता जाता, सगों उन्होंने पेशेंट को बेहोश करके उन्होंने एग्ज़ न बाहर कढ़ लिया जाता है। ये जो प्रोसैस है एग रिट्रीवल का या ओवम पिकअप कहने आपू, ये टोटली पेनलैस है क्योंकि एनेस्थीजिया होंगे, इन्हें कोई कट या टांका नहीं आता एंड दोवें ओवरीज चो एग्ज़ न बाहर कढ़ के हस्बैंड का सीमन सैंपल लिया जाता है तो एग्ज़ न स्पर्म के नाल मिला के एम्ब्रियोज या भ्रूण जिन्होंने आप कहने वह बनाया जाता है। उन्हों मशीन 6 दिन लिए 5 दिन लिए रखा जाता है तो 5वें दिन उन्हों तुहाडे यूट्रस दे विच इम्प्लांट किया जाता है। सो ये सारा प्रोसैस इट यूजली टेक्स अराउंड 21 to 25 days दे विच ये प्रोसैस कंप्लीट होंदा है। तो उस तो बाद जे अपने को एग्ज ज़्यादा निकलते हैं तो अपने को ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं तो उन्हें एम्ब्रियोज में आप फ्रीज करके रख सकते हैं। फ्रीजिंग के की फायदे है? फ्रीजिंग ये है कि सपोज थोड़ा फर्स्ट साइकिल फेल हो जाता है, क्योंकि आईवीएफ कोई फेल प्रूफ साइंस नहीं है। आईवीएफ ये नहीं है कि तुसी कराओगे तो पहली बारी चीज सक्सेसफुल हो जाएगा, कई बारी एक या दो या तीन साइकिल भी लग सकते हैं। सपोज थोड़ा फर्स्ट साइकिल फेल हो जाता है तो जोड़े थोड़े फ्रोजन एम्ब्रियोज है उन्होंने तुम सैकेंड साइकिल लिए यूज कर सकते हो। दोबारा तो एग कढ़न की एम्ब्रियो बनाने की जरूरत नहीं पैंदी। सपोज तुम फर्स्ट साइकिल से कंसीव कर जाते हो एंड बेबी हो जाता है तो वो बचे हुए एम्ब्रियोज तुम सैकेंड बेबी लिए रख सकते हो सैकेंड बारी प्रैगनेंट होने लिए। सो उन्होंने तुम 2 साल 4 साल 5 साल लिए फ्रीज करके रख सकते हो। सो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, एक तो पेशेंट का खर्चा घट जाता है तो दूजा कन्वीनियंस भी है। आईवीएफ ये सारे प्रोसेस तो अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इमोशनल सपोर्ट का है, मॉरल सपोर्ट का है, क्योंकि पेशेंट पहला बहुत सारा ट्रीटमेंट करा के थकिया हों, निराश होया हों, सो उन्हें इमोशनल सपोर्ट की बहुत लोड़ होंगी है। सो उसके लिए ट्रेनड काउंसलर्स साढ़े को अवेलेबल है जो कि 24 hours अवेलेबल है, साड़ा हेल्पलाइन नंबर है जिसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सो ये सारिया फैसिलिटीज साढ़े को है एंड जो तुम्हें रिक्वायरमेंट होवे तो तुम हेठ लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते।